देखिए यही मौका है और इसी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर अलग अलग सांस्कृतिक झलक हमें देखने को मिली। वीरेश वहां मौजूद थे और भी कुछ कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जो वहां कलाकार थे उनसे बातचीत करते हुए क्या बातें निकल करके आई वो भी आप देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस से दूसरी विधा का डांस हो रहा है, उन्हीं से पूछते हैं आखिर ये कौन सा नृत्य है। ये बुंदेलखंड का राजनेता है ऋचा शर्मा एंड पार्टी झांसी। तो ये क्या है, किसकी उपासना में किया जाता है? ये हमारे इसी में दीपावली के समय जो है राई नृत्य हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और इस ये कभी भी कोई उत्सव महोत्सव या कोई फंक्शन होता है तो उसमें संपन्न होता है। ये कौन सा नृत्य है? ये हमारा बुंदेलखंडी राई नृत्य है और जब कोई खुशियाँ होती है तो बधाई के रूप में मनाया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे दूसरी विधा का डांस हो रहा है, उन्हीं से पूछते हैं आखिर ये कौन सा नृत्य है? ये बुंदेलखंड का राजनेता है ऋचा शर्मा एंड पार्टी झांसी। तो ये क्या है, किसकी उपासना में किया जाता है? ये हमारे इसी में दीपावली के समय जो है राजनृत्य हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और इस ये कभी भी कोई उत्सव महोत्सव या कोई फंक्शन होता है तो उसमें संपन्न होता है। ये कौन सा नृत्य है? ये हमारा बुंदेलखंडी राई नृत्य है और जब कोई खुशियाँ होती है तो बधाई के रूप में मनाया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भांति भांति के लोक नृत्य हो रहे हैं और अभी आपने देखा मणिपुरी, बुंदेलखंडी और ये एक दूसरी विधा का नृत्य है जो चल रहा है। उसके बगल में एक और तीसरी चौथी विधा का डांस है वो चल रहा है, उसके बगल में दूसरी विधा के डांस। तो इन्हीं से देखिए जो भी है, जो ये कार्यक्रम है उसे भव्य और बड़ा बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए और रंगारंग कार्यक्रम का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं और जो कलाकार हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कौन सी कला है और कब से सीखा, कौन सी कला है? अवधि। हाँ जी, अवधि 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 ये अवधि गीत जो है, अवधि गीत हम लोग गाते हैं अवध से। हाँ जी, अवध है ये जी। ठीक है, ये भी एक विधा है। देखिए घड़ा सर पे है और क्या बैलेंस है, क्या समन्वय है। ये ढेड़िया है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अच्छा। जी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यूपी से आए हैं, ढेड़िया नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कौन सा घड़ा रख के किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग ऐसे ही रखे हुए हैं इसके थ्रू और खुद की मेहनत है जो हम बैलेंस किए हुए हैं इसको। अच्छा। प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त बैलेंस है जी, बहुत बहुत जबरदस्त बैलेंस है। हम लोग प्रयागराज संगम नगरी की धरती से आए हैं आज अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए और उनका स्वागत अभिनंदन वंदन हम इस झड़िया से करेंगे।